सभी को जय मसीह की। जब हम परेशानियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि हम क्या करें, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए। आइए परमेश्वर के वचन से जानते हैं। जब पौलुस और सिलास बंदी गिरह में थे तो उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और वो परमेश्वर की महिमा में लगे रहे। इसलिए हमें, मेरे प्रियो, जब हम परेशानियों में हैं तब भी हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, ऊपर परमेश्वर के पास गई और उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो परमेश्वर ने सुनी और उसका उत्तर दिया। उत्तर, जब उनके बंधन थे, वो बंदीगृह में कैद थे, तो वो भूकंप आया जो परमेश्वर की तरफ से था और सारी नींव हिल गई और जो उनके बंधन थे वो टूट गए। हालेलुया। इसलिए हमें भी हर परेशानी में, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आके परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बैठ जाना चाहिए और अपनी सब परेशानियों को और जो रास्ते हमारे बंद हैं उन्हें खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक परेशानी को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देता है। आइए हम सब मिल के इस वचन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह में। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अच्छे और भले परमेश्वर हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हृदय से और सच्चे दिल से परमेश्वर। आपकी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को, जो भी बहन भाई हमारी प्रार्थना के साथ जुड़े परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उनके रास्तों को खोलने के लिए परमेश्वर प्रभु एक एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर प्रभु। हम चाहते परमेश्वर प्रभु, जब कोई परेशान है या परमेश्वर टूटे मन से परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं मेरे प्यारे पिता प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें, उनके बंधन को तोड़ दें मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता प्रभु, आपने हमें रात भर संभाला ओ परमेश्वर, अच्छी मीठी नींद दी मेरे प्यारे पिता ओ परमेश्वर प्रभु जी। जब हम कमजोर होते परमेश्वर आपका वचन हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, आपका वचन हमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायक है, हमारा सहायक हम आपका वचन है परमेश्वर जो मेरे प्यारे पिता प्रभु हमें हियाव देता है, हमें रास्ते दिखाता है प्रभु जी। आपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमसे बातें की, जब प्रभु पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे और पेड़ियों से जकड़े हुए थे, ओ परमेश्वर प्रभु तेरे भजन को और तेरी प्रार्थना को परमेश्वर, जब वो परमेश्वर तेरे सम्मुख बैठ के गा रहे थे परमेश्वर प्रभु, आपने उनकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, सब बंधन टूट गए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, लोगों के जीवन में भी आश्चर्य कर्म होने पाए, जैसे परमेश्वर आपने पौलुस और सिलास के जीवन में परमेश्वर प्रभु उन बेड़ियों को तोड़ डाला परमेश्वर, ऐसी हरेक
हर एक के जन्म में परमेश्वर प्रभु कार्य कीजिए, हर एक बंधन को तोड़ दिए। जब उन्हें परमेश्वर रास्ते नहीं दिख रहे मेरे प्यारे पिता, तो उन रास्तों को परमेश्वर दिखाइए मेरे खुदा। ओ परमेश्वर, जो बंद रास्ते वो खुलने पाए मेरे प्यारे पिता। प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में ऐसे काम करें परमेश्वर। प्रभु जो परमेश्वर बेड़ियों हैं, जो बेड़ियाँ हैं परमेश्वर, वो बेड़ियाँ टूट जाएँ यीशु के नाम में। जो बेड़ियाँ हैं परमेश्वर, जो बार बार परेशानियों में डाल लें, वो यीशु के नाम में दूर हो जाएं। जो गड़बड़ी फैलाने वाली है, जो परमेश्वर प्रभु एक दूसरे से परमेश्वर घृणा करते परमेश्वर, वो दूर होने पाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन प्रभु टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। ओ तेरे नाम में परमेश्वर सामर्थ है, तेरा नाम में परमेश्वर प्रभु धार है मेरे खुदा। जो हमें परमेश्वर प्रभु उद्धार देता है मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जो निराश है मेरे परमेश्वर उन्हें आजाद करें, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्तित हैं यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे मेरे प्यारे पिता। ओ मेरे खुदा प्रभु जी, जो परमेश्वर आपने पूरी रात संभाल के रखा, ओ प्यारे पिता इस दिन में भी परमेश्वर प्रभु आप पूरे दिन को परमेश्वर संभाले, हर एक जन के जीवन में काम करें प्रभु, उनके साथ रहें, उनकी अगुवाई करें। जहाँ भी परमेश्वर जाते हैं अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए प्रभु उनके साथ रहें। ओ मेरे परमेश्वर, तो महान पिता परमेश्वर है, तो हर एक जन के साथ रहता है मेरे प्यारे पिता। प्रभु हम तुझ में विश्राम पाते हैं, वो सुकून उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु जब सम्मुख आते शाम को, तो आपको आपके नाम को धन्यवाद कह सकें और आनंदित बीते उनका पूरा दिन मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा तू महान है परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन परमेश्वर अद्भुत है, तेरा वचन परमेश्वर हमें रास्ते दिखाते हैं, तेरा वचन प्रभु हमें जीना सिखाता है मेरे परमेश्वर। जब प्रभु समस्याओं में है मेरे परमेश्वर, तो परमेश्वर प्रभु उनकी समस्या को दूर करें, जैसे अपने पौलुस और सिलास की समस्या को दूर करा जब वो बंदीगृह में थे, प्रभु ने छुटकारा दिया मेरे परमेश्वर। ओहो मेरे प्यारे पिता, जब आप रास्ते खोलते हो उन रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकता। जो बीमार है परमेश्वर प्रभु, जिनके पेटों में परेशानी है, जो परमेश्वर पेट से परेशान है, आत्म इन्फेक्शन है परमेश्वर, पथरियां हैं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में दूर हो जाए मेरे खुदा। ओ परमेश्वर दया कर, दया कर परमेश्वर, हर एक जन को छू के टच कर, पवित्र आत्मा टच कर। ओ पवित्र आत्मा गुहाई कर, सहायता कर, मदद कर, ताकि तेरे वचन को पढ़ के परमेश्वर स्ट्रोंग होने पाए, तेरे वचन से छुटकारे होने पाए परमेश्वर। ओ तेरे वचन में सामर्थ्य परमेश्वर, तो दयालु परमेश्वर है। फिर हर एक जन की हड्डियां चंग हो जाए, ओ परमेश्वर लीवर चंगा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आंखों में परेशानियां, आंख चंगी हो जाए, ओ परमेश्वर हाथ पैरों में दर्द है, कमजोरी है परमेश्वर, यीशु के नाम में दूर होने पाए। ओ परमेश्वर दया कर परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे खुदा, मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। ओ प्यारे पिता, हर एक जन को छू ले और सब रोगों से छुटकारा दे, जो किसी भी परेशानी किसी बीमारी में मेरे खुदा, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरा दिन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव महिमा परमेश्वर आपको सौंपते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।